Hello students, welcome to the YouTube channel of Bansal classes. और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी बहुत काम में आती है और जैसा कि आप देखते हैं इतिहास गवाह है कि एग्जाम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको फर्स्ट ऑर्डर में सीखनी होती है. पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और फिर हम करेंगे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस ताकि आप उनके एप्लीकेशन पार्ट को भी ठीक से समझ पाएं. देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों ने एक इक्वेशन तो बहुत ही अच्छे से आपको याद भी होगा, विच इज के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10. ये क्या होता है, ए नॉट अपॉन ए टी आप इसे बोल सकते हो. मैं जनरली यही फॉर्म यूज करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कई बार आपको इसकी एक और फॉर्म लिखी हुई मिल जाएगी, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, विच इंडिकेट्स बेसिकली दैट कि अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, ये एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम t इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियल कंडीशन पे जब आपने शुरू किया है तो आपके पास सिर्फ a प्रेजेंट था और उसका इनिशियल अमाउंट है a. किसी भी टाइम t पर क्या होगा, इसमें से इसके x मोल्स जा चुके होंगे. तो यहाँ पर a क्या है, a इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फिर आप इसे इनिशियल अमाउंट बोल सकते हो, और x क्या है, x इज द मोल्स ऑफ a या फिर सिंपल हम बोलें अमाउंट ऑफ a कन्वर्टेड. ठीक है, या फिर अगर आप a माइनस एक्स को देखो तो आप इसे बोल सकते हो a लेफ्ट. टाइम t के बाद यहां पर कितना a बचेगा उसे हम किससे डिनोट करते हैं, a माइनस एक्स से डिनोट करते हैं. तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान देनी है. जब आप at की जगह लिख दोगे a नॉट बाय 2, तो उसे हम बोलते हैं t हाफ, दैट इज हाफ लाइफ. तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनता है 0.693 अपॉन k, या फिर आप इसे ln 2 बाय k लिख सकते हो. एक चीज यहां पर आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि t हाफ के इक्वेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की जीरो पावर के साथ वेरी कर रही थी, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. फर्दर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप टी 75% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ. सिमिलरली जब आप इसके लिए टी 87.5% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और जब आप इसके लिए टी 99.9% कैलकुलेट करोगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ. ये रिलेशंस हैं जबकि कई बार घूमते फिरते काम में आते रहते हैं. यहीं से हम एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं. आप देखें, चाहे टी 50% हो, चाहे 75 हो, चाहे 87.5 हो, चाहे 99.9 हो, तीनों ही टर्म्स बेसिकली टी हाफ पर डिपेंड कर रहा है, और टी हाफ खुद इनिशियल कंसिडरेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट. यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी गिवन परसेंटेज को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकते हैं, दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टन फ्रैक्शन बोल दो, या फिर आप इसे सर्टन परसेंटेज बोल सकते हो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यानी मैंने बोला x परसेंट, टाइम टेकन फॉर x परसेंट कंप्लीशन. थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसी क्वेश्चन को यूज कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग द बेस 10. ऊपर आया a, अपॉन a में से a का x परसेंट गया, बताओ यहां मैं कितना लिखूंगा, a इंटू x बाय 100. दिख रहा है आपको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a कैंसिल हो गई. जब मैं यहां पर टी एक्स परसेंट लिख रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 2.303 अपॉन टी लॉग द बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स. क्या होगा, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स. अब आप देखो ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है, कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है. इसका मतलब
चाहे मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लूं, चाहे 2 मोलर लूं, चाहे 3 मोलर लूं, एक सर्टन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन है ए गोज टू बी प्लस सी, मैंने आपसे कहा कि जब मैंने ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली तो 10 मिनट में ये रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही है। कितनी हो रही है? 20%, मतलब ए का 20% बी और सी में कन्वर्ट हो चुका है। अब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने ए की कंसेंट्रेशन को चेंज करके 5 मोलर कर दिया, तो बताओ अब 20% में कितना टाइम लगेगा? हाँ, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे कि ये 10 मिनट ही लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 मिनट ही। अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन बदल भी दो तो एक फिक्स परसेंट को करने में लगा टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपने जब 1 मोलर लिया था 10 मिनट में 20% जा रहा था और ये फर्स्ट ऑर्डर है, जब इसका 5 मोलर ले लोगे तब भी 10 मिनट में ये कितना जाएगा? 20% ही जाएगा। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। यहां पर 20% 1 मोलर का होगा, यानी 1 में से 0.2 मोलर जाएगा और 0.8 मोलर बचेगा। हाँ, और यहां 20% इसका होगा, यानी 5 × 0.2 1 मोलर जाएगा और 4 मोलर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें, फ्रैक्शन के टर्म्स में बात करें, तो टाइम चेंज नहीं होगा। अगर पहले 10 मिनट में 20% हो रहा था तो अब भी 10 मिनट में क्या होगा? वो 20% ही होगा। और इस हिसाब से आप अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से इवन वर्बली सॉल्व कर सकते हो। एक बात समझ में आई? दूसरा अगर आप ध्यान से देखें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, टी हाफ यहां पर 8^0 पर डिपेंड कर रहा है। किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो 8^1 n के साथ वेरी करता है, जहां पर n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन होता है ना। तो सिर्फ टी हाफ नहीं, कोई भी टाइम किसी भी सर्टन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम 8^1 n के साथ ही वेरी करता है। चाहे जीरो ऑर्डर हो तो n के लिए 0, फर्स्ट ऑर्डर तो 1, सेकंड ऑर्डर 2। तो ये भी आप ध्यान रखना, इस बार जेई एडवांस में इसका एक यूज आ चुका है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 1/3 दिया था, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू हो गई 1, तो चाहे टी 1/3 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/9 हो, चाहे कोई भी टाइम हो, वो इनिशियल कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और जब आप उसके लिए ग्राफ बनाओगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट लाइन मिलेगी। बोलो यहां तक आप समझ में आता है? तीसरा, कई बार जब हम गैसियस रिएक्शन से डील करते हैं तो हम उनके प्रेशर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, लेट्स से एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर मैंने शुरू किया कि ए का प्रेशर था 5 atm, कितना था? 5 atm था। और लेट्स से 10 सेकेंड्स के बाद इसका प्रेशर हो चुका है कुछ मान लो 4 atm। तो अब हमें मोल्स नहीं पता, कंसेंट्रेशन नहीं पता, हम प्रेशर में डील कर रहे हैं। तो भाई गैसेस के लिए पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, या फिर पी इक्वल टू आप लिख सकते हो सीआरटी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और कंसेंट्रेशन या प्रेशर और मोल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जिस तरह हम मोल्स में डील करते हैं, सेम वैसे हम प्रेशर में भी डील कर सकते हैं। इस वैल्यू को मैं बोल दूंगा ए नॉट की जगह पी नॉट, और इसको बोल दूंगा पी टी। और अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट पता करना है तो 1/T ln, है ना, ln में लिख रहा हूं तो 2.3 नहीं लिखूंगा, 1/T ln p नॉट इज 5 एंड pt इज 4। और हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, कैरेक्टरिस्टिक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, दैट इज अगर आप एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर हो तो उसके किसी भी सर्टन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, किसी भी फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसेंट्रेशन की 1 n पावर के साथ वेरी करता है। और तीसरा, अगर आपके पास गैसियस रिएक्शंस हैं उनके लिए आप प्रेशर को मोल्स की तरह डील कर सकते हो। यहाँ सारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर मैंने अभी एक कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस किया है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर एक इसको और इसको दो कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर दिया है। तो आओ पहले इनको हम अप्लाई करना सीखते हैं, इनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि द कैटलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ N2 बाय गोल्ड एट 900 डिग्री सेल्सियस एंड एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 200 mm इज 50% कंप्लीट। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन 53 मिनट्स में हाफ कंप्लीट हो रही है। आगे कह रहा है एंड 73% कंप्लीट इन 100 मिनट्स, यानी 100 मिनट्स के अंदर ये 73% कंप्लीट हो रही है। देन यू हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी कांस्टेंट, और आपको थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है कि 100 मिनट में
कितनी N2O डीकम्पोज होगी अगर आपका प्रेशर कितना है 600 mm है। देखो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये आपसे कह रहा है कि N2O का डीकम्पोजिशन 200 mm प्रेशर पर 50% कंप्लीट है 53 मिनट में और 73% कंप्लीट है 100 मिनट में। टाइम जस्ट डबल हो रहा है। देखो 53 का डबल कितना होता है 106, तो जो T75% होता है दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। कौन सी रिएक्शन के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर मैं इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर मान लूं तो आप बताओ 53 मिनट्स का डबल कितना होता है 106 और ये कितना आ रहा है 100 मिनट। लेकिन ये 75 नहीं है, ये कितना है 73। तो यहां से हम हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि अगर T75 106 आ रहा है तो ऑब्वियसली T73 100 मिनट के आसपास तो आना ही आना है। दैट मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। आप डायरेक्ट अपनी ट्रिक को यूज कर सकते हो या फिर अगर आपको कंफर्म करना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो। के इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग द बेस 10 पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, लिख लो उसको। आप प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देखो पहला केस आप के वैल्यू निकालोगे 50% के लिए, यानी टाइम लिखोगे 53। उस केस में पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी नॉट बाय 2। यहां से के की एक वैल्यू आएगी, फिर आप दोबारा से के लिखोगे एंड दैट टाइम यू विल राइट एज 2.33 अपॉन 100। एक बार टाइम लोगे 50, लॉग द बेस 10 पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 73% कंप्लीट हो गया, यानी ये बनेगा 0.73 पी नॉट। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करो, अगर ये दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं तो हमारा अजम्पशन सही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको साफ साफ यार कि अगर डबल करोगे तो 106 आना है 75%, 73% 100 है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड पार्ट आपको वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है तो निकाल लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है? 53 मिनट्स। ठीक है, ध्यान रखना ये आंसर आएगा मिनट इनवर्स में, तो चेक कर लेना। अगर आपको सेकेंड इनवर्स में आंसर देना है तो आपको मिनट को किसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए? सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट जिसको आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, अगर जो मैंने चीज आपको सिखाई है वो आपने ध्यान दी है तो। देखो हाउ मच ऑफ N2O विल डीकम्पोज इन 100 मिनट एट द सेम टेम्परेचर बट एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 600 mm। वो कह रहा है कि जब इनिशियल प्रेशर 200 mm था, इनिशियल प्रेशर 200 mm था, तब ये 100 मिनट में कितना जा रहा था? 100 मिनट में कितना रहा था? 73%। जब इनिशियल प्रेशर 200 था तो 100 मिनट में 73 जा रहा था। अब अगर आपने प्रेशर 600 कर दिया है, हाँ वेरी गुड, ये फिर से कितना जाएगा? 73% ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी सर्टन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये पहले 100 मिनट में 73% जा रहा था तो ये अब भी 100 मिनट में 73% ही जाएगा। डिफरेंस इज पहले 200 mm का 73 था, अब ये कितने mm का होगा? 600 mm का 73% होगा। बात समझ में आई? सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। आप इन छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।